दुनिया में कई ऐसी जगह है जिनके रहस्य से आज तक वैज्ञानिक भी पर्दा नहीं उठा पाए हैं। कई ऐसे भी जगह हैं जिनके अस्तित्व को लेकर आज भी रहस्य बरकरार है। इन जगहों के बारे में कई तरह की बातें की जाती है, हालांकि कई तथ्यों से ये सिर्फ कल्पना मात्र लगते हैं। इन्हीं रहस्यमय जगहों में अटलांटिस शहर भी है, जिसके बारे में कई तरह की कहानियां सुनने को मिलती है। इस शहर के अस्तित्व के बारे में अभी तक पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। माना जाता है कि अटलांटिस शहर एशिया से भी बड़ा था, लेकिन ये समुद्र में डूब गया। इस शहर को वैज्ञानिक आज भी खोजने में लगे हैं। यूनान के दार्शनिक और गणितज्ञ प्लेटो की कहानियों में इस रहस्यमय शहर का वर्णन मिलता है। बताया जाता है कि अटलांटिक महासागर में अटलांटिस एक टापू पर बसा था। इस शहर की खूबसूरती और आकार को लेकर कई बड़े दावे किए जाते हैं। आज हम आपको अटलांटिस शहर के बारे में कुछ रोचक बातें बताएंगे। माना जाता है कि 2500 साल पहले दुनिया में अटलांटिस नाम का एक शहर था। ग्रीक सभ्यता का शहर वर्तमान में गायब है। बताया जाता है कि अटलांटिस शहर बेहद खूबसूरत और काफी बड़ा था, जो समुद्र में डूब गया। इस शहर को इतिहासकार सिर्फ कल्पना मानते हैं। समुद्र में डूब चुके इस रहस्यमय शहर को पूरे यूरोप का केंद्र भी कहा जाता है। इस शहर को लेकर कई तरह की शोधी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक यह रहस्य बना हुआ है। कई किताबों में इस शहर का जिक्र है, जिनमें कहा गया है कि एक ना एक दिन इसकी सच्चाई सामने आएगी। इससे संबंधित कई प्रमाण मिले हैं। ज्यादातर रिपोर्ट्स में इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, इसलिए इस शहर को सिर्फ कल्पना मात्र माना जाता है। अभी तक इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि धरती पर कोई अटलांटिस शहर था। लगभग 2300 साल पहले एक मशहूर ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने इस शहर के बारे में बताया था। इसी के आधार पर यूनान के दार्शनिक और गणितज्ञ प्लेटो की कहानियों में इस शहर का जिक्र किया गया है। उस समय अटलांटिस को सबसे खुशहाल शहर माना जाता था। यह शहर लीबिया और एशिया से भी काफी बड़ा था। दुनिया भर में इतिहास में जिज्ञासा रखने वाले वैज्ञानिक अभी भी खो चुके रहस्यमय शहर अटलांटिस का खोज कर रहे हैं। अब तो भविष्य में ही ये पता चल पाएगा कि क्या सच में अटलांटिस शहर था या सिर्फ कल्पना मात्र है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में ऐसा कोई शहर था या नहीं? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।